हाय गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल फैंटेसी एफडीटी 11 पे आपका स्वागत है। आज मैं ड्रीम 11 में फ़ुटबॉल की टीम प्रोवाइड करूंगा, जो है ओमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप का मैच, जो है फ्रांस ओमेन वर्सेस ब्राज़ील ओमेन के बीच जो मैच है, मैं उसी का ही टीम प्रोवाइड करूंगा गाइस। तो मेरे साथ ये वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं जो भी अपडेट दूंगा, जो भी सजेस्टेड प्लेयर के बारे में बोलूंगा, आप उसके हिसाब से आप खुद का भी टीम बना के जा सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर से मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा, मैं वहाँ पर फाइनल टीम प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस, यहाँ पर से आज का जो मैच है फ्रांस ओमेन वर्सेस ब्राज़ील ओमेन के बीच, आज टूर्नामेंट फीफा ओमेन्स वर्ल्ड कप का मैच खेला जाएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया पे, और मैच स्टार्ट होंगे दोपहर 3:30 बजे। आप ये मैच लाइव देख सकते हो फैन कोड ऐप पे और जियो सिनेमा पे। यहाँ पर पे जो आज का जो मैच का प्रीव्यू रहेगा, फीफा ओमेन्स वर्ल्ड कप का जो ग्रुप एफ का मैच है, सेकेंड राउंड है, फ्रांस बनाम ब्राज़ील, और यहाँ पर पे फ्रांस का जो महिला टीम है अभी तक 2 नंबर पॉइंट्स टेबल पे है ग्रुप पे, और यहाँ पर पे एक मैच खेला है और यहाँ पर से उन्होंने एक मैच ड्रॉ किया है और उनके पास एक पॉइंट से लास्ट मैच जमैका ओमेन के साथ गोल लेस ड्रॉ किया था, और अदर हैंड पे ब्राज़ील ओमेन जो नंबर 1 पायदान पे है और एक मैच खेल के वो मैच जीता था और उनके पास 3 पॉइंट है। लास्ट मैच 4-0 से काफ़ी अच्छा जीत मिला है पानामा ओमेन के साथ, और जिन्होंने गोल दागे थे बॉर्जेस ने 3 गोल दगाए थे, हैट्रिक लगाए थे, और यहाँ पर पे लगाए थे जाना रातो 1 गोल मारे थे। और यहाँ पर से जो लास्ट मैचेस है फ्रांस ओमेन जो लास्ट मैच ड्रॉ किया था उनका फर्स्ट मैच था, ब्राज़ील ओमेन अपने फर्स्ट मैच का जो अभी तक जीता था, और हेड टू हेड का जो स्टैट है 2019 साल में एक मैच खेला था दोनों टीम ने, जिनमें से फ्रांस ओमेन मैच जीता था 2-1 से। तो इस ग्रुप में फ्रांस ब्राज़ील के अलावा भी जमैका है और यहाँ पर पे पनामा है, और यहाँ पर पे जो फ्रांस ओमेन आज का मैच स्टार्ट करने जाएंगे, गोलकीपर पे मैकनिन स्टार्ट कर सकता है, राइट बैक पे लक्कार, सेंट्रल डिफेंड पे तोंडकारा, कैसरिनो और काराचोई स्टार्ट करेंगे। तो 4-4-2 से 4 डिफेंडर स्टार्ट करेंगे यहाँ पर पे, कैस्कारिनो और तोंकारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पीक रहेंगे। मिडफील्ड पे मातेओ, गेओनारो, लोलेटी और मजरा स्टार्ट करेंगे, इनमें से गेओरो और लोलेटी काफ़ी अच्छा मिडफील्डर है। 2 स्ट्राइकर रहेंगे लेसोमेर और डियानी, ये 2 काफ़ी अच्छा चॉइस है, पिछले मैच में काफ़ी बढ़िया बढ़िया चांस मिला था लेकिन गोल में तकदीर नहीं कर पाए। और टॉप पिक्स में यहाँ पर पे डयानी काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, गोल दाग सकता है, असिस्ट कर सकता है और पासिंग फुटबॉल के लिए जाना जाता है। लेस सोमर भी इंपॉर्टेंट पिक रह सकता है फ्रांस स्ट्राइकर पे, और मिडफील्डर गेयरो, ये 3 चॉइस मैं टॉप पिक्स में रखूँगा आज के मैच के लिए। ब्राज़ील ओमेन के जो आज का मैच स्टार्ट करेंगे 4-4-2 से, गोलकीपर पे स्टार्ट करेंगे लेले, और राइट बैक पे स्टार्ट करेंगे सिल्वा, सेंट्रल डिफेंड पे रोरेन, रफाइल और टैमिरेस, ये 4 डिफेंडर स्टार्ट करेंगे, चारों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और 4 मिडफील्डर रहेंगे बॉर्जेस, केरोलिन, बाटोसी और अद्रियाना, इनमें से बॉर्जेस तो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस रह सकता है आज के मैच के लिए, उसके बाद केरोलिन को अपने टीम पर पिक कर सकते हो। 2 स्ट्राइकर रहेंगे डेविना और बिया जेनेरातो, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेविना का पिछले मैच में 1 गोल में यहाँ पर से असिस्ट किया था, जेनेरेटो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक है। टॉप पिक्स में यहाँ पर पे बॉर्जेस को रखूँगा क्योंकि 3 गोल और 1 असिस्ट है उनके नाम लास्ट मैच में, बिया जेनेरातो का 1 गोल है और डेविना भी 1 असिस्ट मारा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं टॉप पिक्स में रखूँगा ब्राज़ील ओमेन के खिलाड़ी को। तो गाइस, अब मैं टीम क्रिएट करूंगा यहाँ पर से ओमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो मैच रहेंगे फ्रांस बनाम यहाँ पर पे ब्राज़ील ओमेन के बीच जो मैच रहेगा। फर्स्ट यहाँ पर से गोलकीपर का जो ऑप्शन यहाँ पर से रहेगा, 2 चॉइस आपके पास रह सकता है, एक है मैकनिन और एक है यहाँ पर से लॉरेन इटेजियो, मैं यहाँ पर से मैकनिन को मेरे टीम में पिक करूँगा। उसके बाद ब्राज़ील के डिफेंडर को काफ़ी तगड़ा लग रहा है, मैं उनको पिक करूँगा, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था पिछले मैच में, टमीरेस हो गया है, सोउज़ा एक अच्छा चॉइस रहेगा,
उसके बाद यहाँ पर से एंटोनिया को मेरे टीम में पिक करूँगा, ये तीन डिफेंडर को पिक करूँगा। आपके पास लॉरेन अच्छा चॉइस रह सकता है। फ्रांस वोमेन की तरफ से रेनार्ड और लटकार्ट को अपने टीम पे पिक कर सकते हो। मिडफील्डर चॉइस पे बोर्जेस वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर पे मैं मार्टा को मेरे टीम में पिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर से टोलिटी को पिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर पे गैरो को पिक करूँगा। ये चार मिडफील्डर पिक करूँगा, दो दो करके लेके जाऊँगा। यहाँ पर से मातेओ एक अच्छा चॉइस रह सकता है। स्ट्राइकर ऑप्शन पे डियानी एक अच्छा चॉइस रहेगा। यहाँ पर पे जनेरातो को पिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर पे डेबिना को पिक करूँगा। अदर चॉइस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। यहाँ पर से ले सोमार और फेरेरा को अपने टीम पे ट्राई कर सकते हो। तो अभी तक ये मेरा टीम रहेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, बोर्जेस, जनेरातो, डियानी काफ़ी इंपॉर्टेंट, डेबिना को कर सकते हो। ग्रैंड लीग हेड टू हेड स्मॉल लीग पे मैं बोलूँगा यहाँ पर पे सोजा और स्टेमिरेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रैंड लीग चॉइस हो सकता है। तो यहाँ पर से कैप्टन ऑप्शन यहाँ पर पे मैं बोर्जेस को पिक करूँगा। वाइस कैप्टन आप ये जो डिफेंडर टेमिरेस को कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर से जनेरातो को मेरे टीम में वाइस कैप्टन पिक करूँगा। ये मेरा सेफ टीम रहेगा अभी तक। मैं फाइनल टीम अपडेट कर दूंगा मेरा टेलीग्राम चैनल पे, जो डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। गाइस ऑल द बेस्ट आज के मैच के लिए। आप हेड टू हेड खेलिए, स्मॉल लीग खेलिए, ज़्यादा से ज़्यादा विन करें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।